सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। जितना खूबसूरत है वो उतना ही सुपर ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्लीव है जिसको मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है, और इसको 1.25 इंच लेके मैंने एक्स्ट्रा रखा था, जिसको मैंने इस तरीके से नॉर्मल जैसे अपन फोल्ड करते हैं उसी तरीके से मैंने इसको सिंपल फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्लीव की कटिंग देखना चाहते हैं, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है स्लीव कटिंग, और आप सबसे बेहतर तरीके से कैसे स्टिच कर सकते हो उसको, तो उसकी वीडियो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्लीव जो है इसकी लेंथ है 8.5 इंच है वैसे इसकी लेंथ, पर 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में भी दब जाएगा। और इसके अलावा मैंने 1/4 इंच और इसका लिया था जो कि मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से रखेंगे, और ये मैंने आपको एक लाइन दिख रही होगी जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ कर ली है। तो ये मैंने यहाँ बॉटम से इसको 1 इंच के ऊपर ड्रॉ की है इस तरीके से लाइन, और अब इसमें मैं 1-1 इंच की दूरी पे निशान भी लगा लूँगी। तो इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पे मैं निशान दे रही हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने 1-1 इंच की गैपिंग पे ये निशान लगा लिए हैं, और यहाँ पे नीचे भी हमें निशान लगाने हैं। आप चाहे तो अंदाजे से कर लीजिए, नहीं तो ये दो जैसे हमने निशान लगाए हैं इनके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से निशान लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसमें हम डिज़ाइन लगाएंगे उसके लिए हमें ये इस तरीके से तिरछी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने तकरीबन 1/4 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी काटी हुई है, और 1 मीटर लॉन्ग पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, छोटी नहीं लगेगी क्योंकि वो डिज़ाइन हमारा ऐसा है कि हम वापस से उसमें जोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल आएगी। तो उसके लिए आप कोई भी स्लीव का मेजरमेंट हो, आप 1 मीटर लंबी पट्टी लें तिरछी पट्टी। तो फ्रेंड्स, तिरछी पट्टी काटने की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, और आप उसे ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तिरछी पट्टी की हमें बनानी है डोरी। डोरी ज़्यादा पतली नहीं बनानी है और भरी हुई नहीं बनानी है, तो हमें थोड़ी सी चौड़ी डोरी बनानी है। तो चलिए इसकी डोरी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप कैसे मेजर करें कि कितनी चौड़ी बनाएं, तो ये जो इसका ये वाला फुट है आगे वाला, मैं इसी के बराबर इसको लेती जाऊंगी, और इतनी ही चौड़ी हमें ये पट्टी चाहिए। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखना है आपको, ये जो हमने तिरछी पट्टी जॉइंट किया हुआ है इसका उल्टा साइड इस तरीके से होना चाहिए, उसके बाद ही आप सिलाई लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो डोरी हमने सिलाई लगा ली है, और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम काट लेंगे, क्योंकि हमें जो है खाली डोरी चाहिए, भरी हुई डोरी नहीं चाहिए, एक जो मोटी डोरी होती है वो नहीं चाहिए, तो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सीधा करेंगे सुई की सहायता से। तो फ्रेंड्स, आपको ये सुई में लंबा धागा डाल के रखना है, और इस तरीके से हम पहले यहाँ से सुई निकालेंगे, और सुई का ये लास्ट पॉइंट में इस तरीके से सुई लगा के अब हम उल्टी साइड से इसमें इस तरीके से सुई को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपकी सुई इस तरीके से बाहर निकल आए, तो इस तरीके से जो लास्ट का पॉइंट है उसको इस तरीके से कपड़ा ऐसे खींचना है। ये देखिए, हमारी डोरी ऊपर आने लग गई है। अब इस तरीके से धागे को ज़ोर से ना खींचिए, नहीं तो धागा टूट जाएगा तो पूरी डोरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए यहाँ से पकड़ के आप यहाँ तक लाएं।
फिर ये जो डोरी हमारी यहाँ तक पहुँची इसको पकड़ें और इस तरीके से खींच लें। तो ये डोरी आ गई है हमारी। तो फ्रेंड्स ये हमारी डोरी पूरी बन चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है, अच्छे से फिनिशिंग से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इसको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया, तो ये बिल्कुल पतली पट्टी जैसी बन गई है। अब इसको मैं अपनी स्लीव्स पे लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने एक एक इंच पे मार्क किया हुआ है, तो ये मैं पट्टी यहाँ से रखूंगी कॉर्नर से इस तरीके से, और फिर हम जब नीचे ले जाएंगे तो इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से वी बन जाएगा ये। और फिर यहाँ से भी इसी तरीके से करना है, नीचे से इसी तरीके से हम करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी ऐसे ही करना। चलिए मैं आपको सिलाई पे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये निशान पे इस तरीके से रखूँगी पट्टी को, और अब सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर ही लगानी सिलाई, और आराम से करिए, इस पर कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको पास ले आके सुई को फुट को ऊपर करना है, और इस तरीके से ये जो लाइन खींची हुई है हमें इसी के बराबर करना है, नहीं तो इसके बराबर नहीं करेंगे तो कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके से आपका डिज़ाइन आएगा। अब ये जो नीचे निशान लगाया है यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम पूरा डिज़ाइन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और बहुत ही सिंपल है ये डिज़ाइन, बनाने में भी बहुत इजी है, कोई बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई, और दूसरी स्लीव भी आप इसी तरीके से बना लें। तो मैंने दूसरी स्लीव भी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इस तरीके से ये सिल के इस तरीके से लुक आएगा इसका। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।